अस्सलामुअलैकुम, आई एम डॉक्टर राबिया सूफ़ी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में। और आज मैं बात करूँगी पिट्रियासिस वर्सिकॉलर के बारे में। पिट्रियासिस वर्सिकॉलर इज़ अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन इन विच डिसकलर्ड पैचेस फॉर्म ऑन स्किन ऑफ द अपर ट्रंक, मेनली ऑन द शोल्डर्स, नेक, चेस्ट एंड आर्म्स। ये जो पैचेस बनते हैं हमारी स्किन पे, ये समटाइम्स डीपिगमेंटेड होते हैं और समटाइम्स ब्राउन कलर्ड होते हैं, और बाज़ औक़ात ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, इनमें कुछ भी नहीं होता, लेकिन समटाइम्स इनमें इचिंग होती है। और मेन कंसर्न पेशेंट के लिए ये होता है कि ये दिखने में बुरे लगते हैं। और इसके लिए जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, उसमें हम टॉपिकल एंड ओरल एंटी फंगल थेरेपीज देते हैं। और एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है इसके लिए, वो ये कि गर्मी और पसीने में ये फंगल जो है वो ज़्यादा ग्रो करता है, तो गर्मी और पसीने से बचना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अगर कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ कर रहा है या कोई वर्कआउट कर रहा है, तो उससे फ्री होकर के हम रिकमेंड करते हैं कि जल्दी में आके आप फ्रेश होके अपने जो कपड़े हैं वो चेंज कर लें, ख़ुद को ड्राई आउट कर लें। क्योंकि अगर आप उस पसीने के कपड़े के साथ लॉन्ग टर्म रहेंगे, तो ये फंगस ज़्यादा ग्रो करेगा और ये पैचेस जो हैं ये फैलते जाएंगे। अगर आप में से किसी को भी इस तरह का कोई इन्फेक्शन है, तो आप अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में आएँ। मैं यहाँ पे एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे पे अवेलेबल होती हूँ ओपीडी में, और हम आपको बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट जो है वो बताएँगे।